एक्स्ट्रा टाइम। वो क्रिकेटर जिसको अंडर 19 टीम में शामिल नहीं किया गया था, वो आज टीम इंडिया के टॉप बॉक्स में से एक है। बात कर रहे हैं मोहम्मद शामी की। पिछले दो सालों में उनके करियर ने बड़ा टर्न अराउंड मारा है। अमरोहा से आए इस फास्ट बोलर ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। इतनी दिक्कतें थी इनकी जिंदगी में कि इन्होंने 3 बार सुइसाइड करने का भी सोचा। लेकिन अपनी दिमागी शक्ति और अपनी मेहनत से ये वापस आए और स्ट्रांग और फिट बनकर। अभी इंडिया की सीरीज है इस साल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उस सीरीज में अगर इंडिया को अच्छा करना है तो फिर मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह दोनों को अपने टॉप फॉर्म में रहना होगा। इंजरी से वापसी के बाद मोहम्मद शामी ने 37 टेस्ट मैचेस में 133 विकेट लिए हैं 24 के एवरेज से, और अब विराट कोहली के टेस्ट टीम के परमानेंट हिस्सा है मोहम्मद शामी। हालांकि छोटे फॉर्मेट्स में भी इनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रही है। 29 साल के मोहम्मद शामी के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। सीरियस इंजरी हुई, रिहैब प्रोसेस रहा, और फिर पर्सनल इश्यूज भी थे 2015 वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद इनके घुटने की एक सर्जरी हुई जिसके वजह से 18 महीने ये ग्राउंड से दूर रहे। वो कमबैक करने का सोच ही रहे थे कि फिर से उनको दिक्कतें हुई जब पर्सनल प्रॉब्लम्स सामने आई और एक कार एक्सीडेंट भी हुआ। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां के सहसापुर गांव से हैं मोहम्मद शामी, अपने परिवार के 5 बच्चों में से एक। उनके पिता जो खुद एक फास्ट बोलर थे, वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी फास्ट बोलिंग करें। मोहम्मद शामी का टैलेंट उन्होंने शुरू में ही देखा था और उनको मुरादाबाद ले गए वहां के फेमस कोच बद्रुद्दीन सिद्दीकी के पास। बद्रुद्दीन साहब के अंडर मोहम्मद शामी ने काफी मेहनत की और उत्तर प्रदेश अंडर 19 सिलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन एक पॉलिटिकली करप्ट सिलेक्शन प्रोसेस हुआ और मोहम्मद शामी को टीम में जगह नहीं मिली। फिर उनके कोच बद्रुद्दीन ने उनसे कहा कि आप कोलकाता जाइए और वहां अपना लक ट्राई कीजिए। कोलकाता आते ही उन्होंने सबसे पहले डलहौजी एथलेटिक क्लब के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया और पास ही स्थित टाउन क्लब के देवव्रत दास ने उनके टैलेंट को सबसे पहले नोटिस किया। सीएबी फर्स्ट डिवीजन लीग में उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए और फिर बंगाल के सेलेक्टर्स ने उनको बंगाल रणजी ट्रॉफी टीम में मौका दिया नवम्बर 2010 में असम के अगेंस्ट। लगातार अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए मोहम्मद शामी ने डोमेस्टिक लेवल में, और फिर उनको इंडिया ए टीम में मौका मिला वेस्ट इंडीज ए टूर के लिए 2012 में। वहां मरे हुए विकेट्स पर मोहम्मद शामी ने अपने पेस, अपने बाउंस और अपने लैटरल मूवमेंट से सभी को इम्प्रेस किया, और फिर उनको मौका मिला इंडियन टीम में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ईडन गार्डन्स में। उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि क्रिकेट जगत का हर कोई उनसे इम्प्रेस हो गया। अपने पहले ही मैच में उन्होंने 10 विकेट लिए थे और उसके बाद इंदौर में हुए टेस्ट मैच में उन्होंने 11 विकेट लिए। अब तक अपने 49 टेस्ट मैचेस से मोहम्मद शामी ने 180 विकेट लिए हैं 27 के एवरेज से। और 77 वनडे इंटरनेशनल्स में उनके नाम 144 विकेट है
25 के एवरेज से। मोहम्मद शामी के पास ये एबिलिटी है कि वो नई गेंद को बहुत अच्छा मूव करा सकते हैं और साथ ही पुरानी गेंद को हवा में रिवर्स स्विंग भी करा सकते हैं। ये उनको और खतरनाक बनाता है। अब जबकि इंडियन टीम के बहुत सारे ओवरसीज दौरे हैं, तब मोहम्मद शामी से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं कि हर दौरे में वो भारत के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.